अब मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं भाइयों बहनों, ये किस तरह से जनता को गुमराह करते हैं। अभी अभी कुछ दिन पहले राहुल बाबा महाराष्ट्र में आए, एक सभा में उन्होंने संविधान लहराया। अब लहराने को तो लहरा दिया, संविधान पर लेक्चर भी झाड़ा, मगर जब संविधान बटा और कुछ पत्रकार मित्रों ने संविधान को खोला, अंदर एक भी शब्द लिखा नहीं आने था। फर्जी संविधान उन्होंने जनता में बांटा, इस तरह की गुमराह करने की राजनीति। राहुल बाबा शर्म करो, शर्म करो। संविधान विश्वास का सवाल होता है, संविधान श्रद्धा का सवाल होता है। आपकी ओछी राजनीति के लिए संविधान का आप उपयोग करते हो, आपको जरा भी शर्म है तो चुल्लू भर पानी में आपको डूब जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए। भाइयों बहनों, ये अघाड़ी, ये राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र का विकास नहीं कर सकते। कोरोना में हमने देख लिया है किस तरह से सरकार चलाती। विठोबा के चरण छूने में भी डर लगता था, घर से वीडियो कॉन्फ्रेंस करते थे, कहीं राउंड नहीं लेते थे। इस तरह से सरकार नहीं चलती है। आज एकनाथ शिंदे, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत दादा गांव गांव, घर घर, गली गली, शहर शहर घूमकर महाराष्ट्र के विकास को गति दे रहे हैं, और ऊपर नरेंद्र मोदी जी हैं। भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहकर जाता हूं, एक 5 साल महायुति को दे दीजिए, मोदी जी का हाथ मजबूत कर दीजिए, न केवल महाराष्ट्र, पूरा भारत मोदी जी के हाथों में सुरक्षित और समृद्ध बनेगा। मुझे बताओ बोरीवली वालों, हमारी 6 के 6 सीट उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? प्रचंड बहुमत से जिताओगे? अब यार कुछ हजार लोग हो और कहते हो प्रचंड बहुमत से जिताएंगे, मैं कैसे मान लूं? मैं ऐसे नहीं मानूंगा भाई। एक आइडिया बताऊं? बताऊं आइडिया? कितने लोगों के पास मोबाइल है? हाथ ऊपर करो जरा। सबके पास मोबाइल है ना? तो यहां से निकलकर 21 फोन अपने सभी मित्र परिवार सगे संबंधी को करना है कि कमल, धनुष बाण और घड़ी पर बटन दबाना है। भाई को, भाभी को, माँ को, पिताजी को, पड़ोसी को, फूफा को, फूफी को, काका को, काकी को, भतीजे को, भतीजी को, करोगे क्या? जोर से बोलो, करोगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।